मोमोज खाना सभी को पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पर बनाई है मोमोज की चटनी, और वो भी बिना टमाटर के। क्या आपको देखकर इसका कलर, इसका टेक्सचर देखकर समझ में आ रहा है कि इसको हमने बिना टमाटर के बनाया है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये चटनी हमने बिना टमाटर के बनाकर तैयार की है, और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर उतना ही ज़्यादा अच्छा है जो कि टमाटर के साथ बनकर तैयार होती है। तो ये चटनी आप भी अपने घर में बना सकते हैं, और आप इसको 1 वीक तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे बनाएं मोमोज की बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटनी, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोमोज की चटनी हमें बनानी है बिल्कुल वैसे ही मार्केट जैसी बनानी है, जैसे मार्केट में आती है ना, कुछ ऑरेंजिश रहती है, थोड़ी सी रेडिश रहती है, बहुत ही स्पाइसी रहती है, खाने में बेहद टेस्टी लगती है, और जब आप उसको मोमोज में डुबो कर खाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, यमी होती है। तो वैसे ही हम घर पर बनाएंगे। अब टमाटर तो बहुत महंगे हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेनी होगी प्याज। तो मैंने क्या किया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली। अब प्याज को हम छील लेंगे और इसके बाद में इसको धो लेंगे और इसको रफली कट करके तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर लहसुन हमें चाहिए होगा, तो लगभग 15 से 20 कलियाँ आपको लहसुन की भी चाहिए होंगी, तो इसको भी आप छील कर निकाल कर रख लें। इसके साथ ही मोमोज की चटनी में कलर देने के लिए आप चाहें तो कश्मीरी मिर्चों का यूज़ भी कर सकते हैं। ये कश्मीरी मिर्च है, ये आपको ग्रोसरी स्टोर पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगी। ये सादा मिर्चें हैं जो सभी के घर में होती हैं अवेलेबल। तो आज हम इसी से चटनी बनाकर तैयार करेंगे। कश्मीरी मिर्च से चटनी मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के पास कश्मीरी मिर्च अवेलेबल नहीं हो पाती है। घर में आप बैठे हुए हैं, फटाफट से आपको चटनी बनानी है, तो जो भी मिर्च आपके घर में पड़ी हुई है, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्चें जो भी आपके पास हैं, उन्हीं से आप चटनी आराम से बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले प्याज को आपको काट लेना है और लहसुन को भी छीलकर तैयार करना है। इसके साथ ही यहाँ पर जो कश्मीरी मिर्चें हमने ली थी ना, उसको अच्छे गर्म पानी में आपको भिगोकर छोड़ देना है लगभग आधे से एक घंटे के लिए। तो अगर आप कश्मीरी मिर्च से चटनी बना रहे हैं तभी आपको ये काम करना है, वरना आपको ये सब तामझाम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सूखी लाल मिर्चें हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको प्याज के साथ बॉईल करेंगे। इसके लिए कोई भी बर्तन ले लें और इसमें डालें कटा हुआ प्याज, साथ ही सूखी लाल मिर्चें हम इसी में डाल देंगे, और लाल मिर्च की डंडी हमने तोड़कर डाली है। इसके साथ ही लहसुन को छील लिया था, तो लहसुन भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन की क्वांटिटी आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसमें आधा से पौन ग्लास के करीब पानी डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से उबलने देंगे। लगभग 10-12 मिनट तक तो आपको इसको उबालना ही है। जब ये हमारा जो सब्ज़ियाँ हैं, प्याज वगैरह है, ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी, इसके बाद में गैस को ऑफ कर दीजिएगा। सारे मिक्सचर को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसके बाद में ग्राइंडिंग जार में डालकर, मिक्सी के जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे। पर इसके साथ हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और उसके बाद ही हम इसको पीसना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि बॉयल होने के बाद सब्ज़ियाँ हमारी देखने में, प्याज हमारी देखने में इस तरह से लग रही है, और लाल मिर्च भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो अब इसको हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके साथ का जो पानी था वो भी हमने डाल दिया, क्योंकि पीसने के लिए पानी तो हमें थोड़ा चाहिए ही होगा। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इस तरह से पीसते वक्त भी थोड़ी सी गार्लिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधी से एक चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे चटनी में कलर देने के लिए आप चाहें तो भीगी हुई जो कश्मीरी मिर्चें हैं ना, तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप क्या डालें ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको डालना है आधी से एक चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये बहुत ही बढ़िया कलर देगी। और मार्केट वाले भी जब बनाते हैं ना, और जिस भी सीज़न में जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, और आप इसका कलर, आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने घर पर बनाया है और इसको हमने बिना टमाटर के बनाया है। तो अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, मोमोज के साथ खाइए, इसको पकौड़े के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी है, यमी है। एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक अगर आपको कम लग रहा हो तो इसी पॉइंट पर नमक बढ़ा दीजिएगा। और बाजार वाले जब बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो भी ऐड करते हैं, तो उससे भी टेस्ट काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, आप चाहें तो थोड़ा सा अजीनोमोटो भी आधी चम्मच के करीब डाल सकते हैं। बहरहाल हमारी यहाँ पर मोमोज की चटनी, रेड चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। टेक्सचर देखिए आप, इसका कलर देखिए, बहुत ही बढ़िया है। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 वीक तक फ्रिज में। ये देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है, इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी तड़का पैन या कोई भी कढ़ाई लेकर इसमें डालें लगभग 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, और चटनी को उसमें डाल लीजिएगा और लगभग 2 से 3 मिनट थोड़ा सा पका लीजिएगा।
तो इस तरह से चटनी को आप थोड़ा सा तेल में थोड़ा सा पका लेंगे ना, तो चटनी आपकी लंबे समय तक चलती रहेगी। और इसको आप बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिएगा, लगभग 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लें, और इसके बाद में कम्प्लीटली ठंडा करके आप किसी भी प्लास्टिक के या फिर ग्लास के जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप मोमोज बनाएं या घर में कोई पकौड़े बना रहे, कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं, तो आप ये चटनी सर्व कीजिएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही यमी बनती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो आपके पकौड़े हैं या फिर आपने स्नैक्स बनाए हैं ना, उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है इस चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मोमोज की चटनी आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी बिना टमाटर के, सस्ते में आप बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। मोमोज के साथ खाएं, किसी भी स्नैक के साथ, पकौड़े के साथ खा सकते हैं, तो यमी है, टेस्टी है, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।